परी, तू यहाँ स्टोर रूम में क्या कर रही थी? आपसे मतलब? परी, परी, मेरी बात सुन परी, क्यों बात नहीं कर रही तू मुझसे? मुझे नहीं लगता आपसे बात करके मुझे कुछ भी हासिल होगा। हासिल होगा? अरे हम तेरे आई बाबा हैं, हमसे बात करके तू क्या हासिल करना चाहती है? क्यों ऐसा बर्ताव कर रही हमारे साथ? अपनी आई की गले नहीं लगेगी तू? गले उसे लगाते जिसे देख के खुशी होती है, लेकिन आपको देख के ना मुझे खुशी हो रही ना मुझे आपसे कोई बात करनी। क्यों बात नहीं करनी? क्योंकि मैं और तेरे बाबा तुझसे इतने दिनों तक दूर रहे, या फिर नरेन तुझे छोड़कर जा रहा है इसलिए तो अपने बाबा से बात नहीं कर। परी, मैंने तुझसे कहा था ना कि तेरे हर सवाल का जवाब है मेरे पास, तो अब सुन, मैं और तेरे पापा तुझसे इतने दिन इसलिए दूर रहे क्योंकि वहां हम अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे। पहले तेरे बाबा की तबीयत ठीक नहीं थी, फिर वो एक्सीडेंट, और फिर तेरे पापा कोमा में चले गए थे। तुझे नहीं पता हमारा कितना दिल करता था कि हम तुझसे मिले, लेकिन शायद पापा की कृपा की वजह से ही आज हम यहाँ तेरे सामने खड़े। तुझे पता है परी, तेरे बाबा ने तुझे कितना मिस किया, रोज तेरे बारे में बातें करते थे, रोज तुझे कितना याद करते थे, मैं तुझे कभी नहीं समझा सकती। उन्होंने तो वैसे भी तेरा बचपन नहीं देखा, तुझे बढ़ते हुए नहीं देखा, पर आज वो यहाँ आए ताकि वो अपनी बेटी को उनकी सारी खुशियां दे सके। उन्हें लग रहा था कि उनकी बेटी शायद समझ जाएगी, लेकिन नहीं, तो कुछ समझने को तैयार नहीं है परी। तेरा दूसरा सवाल, तू आज तक यही सोचती आई थी ना कि तेरे बाबा मुझे छोड़ के चले गए थे, वो गलतफहमी मेरी तरफ से हुई थी, और फिर जब वो गलतफहमी दूर होने वाली थी तो फिर अर्जुन मुझसे दूर जाने वाले थे, लेकिन तुझे लगा कि तेरे बाबा ने मुझे फिर से डिच कर दिया है ना। ऐसा कुछ भी नहीं था, वो मुझे इतना प्यार करते हैं कि वो नहीं चाहते थे कि मेरा फ्यूचर इनसिक्योर, उनकी तकलीफ हमारी तकलीफ ना बने। तेरे पापा को ब्रेन ट्यूमर था परी, उन्होंने तो कभी ओवी से शादी भी नहीं की थी, वो सिर्फ प्रिटेंड कर रहे थे कि मुझे लगे कि वो अब शादी कर चुके और मैं से दूर चली जाऊं। तू कहती है कि तू नरेन से प्यार करती है, परी तो जानती भी है प्यार क्या होता है। अपने डैड को देख, उनका सैक्रिफाइस देख, उसे कहते हैं सच्चा प्यार। मैं जानती हूं कि मैंने तेरे डैड के बारे में तुझे बहुत सारी गलत बातें बताई थी, लेकिन जब मुझे सच्चाई पता चली परी, तो मैंने अपनी गलती मान ली। तुझे पता है मुझे अपने प्यार पे बहुत गर्व था, पर जब मैंने अर्जुन का प्यार देखा ना, मैंने हार मान ली। अर्जुन ने मुझे सिखाया कि प्यार क्या होता है। प्यार का मतलब खुद की खुशी नहीं होता, प्यार में तुम उस इंसान की खुशी देखते हो, उस इंसान की खुशी ढूंढते हो,
प्लीज नरेन को समझ। अगर तूने उससे थोड़ा सा भी प्यार किया है ना, प्लीज उसे अंकिता के पास जाने दे। प्लीज उसकी असली खुशी अंकिता के साथ। मेरी बात मान मेरी बच्ची, प्लीज उसे जाने दे। तुझे पता है ना नरेन और अंकिता ने कितना भुगता है। दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे। अरे प्लीज नरेन को जाने दे। वो तो एक दूसरे से सच्चा प्यार करते। बेटा मैं जानती हूँ कि अपने प्यार को किसी और के साथ देखने में बहुत तकलीफ होती है, पर इसको अपनी ईगो पे नहीं लेते। इज्जत अच्छी नहीं है बेटा। तो जिस चीज के लिए लड़ रही है ना, चीज तेरी नहीं। प्लीज नरेन को जाने दे। तू अपनी इज्जत की वजह से तीनों की जिंदगी बर्बाद कर रही है। तुझे नहीं समझ में आ रहा है। और वैसे तो तेरे डैड की और नरेन की कोई गलती नहीं है, पर अगर तुझे लगता है कि उसे गलती हुई है तो उन्हें माफ कर दे। तू उन्हें जितना समझेगी ना, तुझे उतना बेटर फील होगा। और रही नरेन और अंकिता की बात, तो मैं सिर्फ इतना जानती हूँ परी कि जिस तरह हालात मुझे और अर्जुन को अलग नहीं कर पाए, नरेन और अंकिता भी एक दूसरे के लिए बने। लोग हार जाते, प्यार नहीं, अभी भी वक्त है। संभल जा बेटा। अगर तुझे तुझे जरा सा भी लगता है कि तेरी आई ने सही कहा है तो मेरी बात मान ले। इन लोगों की खुशियां छीनने के चक्कर में तू सब कुछ बर्बाद कर देगी। किसी को कुछ हासिल नहीं होने वाला। सच कह रहा, भूल जा नरेन को। सही कह रही। पता नहीं ये सब कैसे हो गया। मैं क्या थी और क्या बन गई। तूने सही कहा, मैं कभी अपने बाबा को समझे ही नहीं, और शायद ना नरेन को। शायद नरेन मेरा कभी था ही नहीं, इसलिए तो हम मिलके भी अलग हो गए। और हमारा बच्चा इस दुनिया में कभी नहीं आया। मैंने सच्चे प्यार को कभी समझा ही नहीं। आज समझ में आ रहा है सच्चा प्यार क्या होता है। इंसान अपने आप को भूल के सिर्फ दूसरे की खुशी के बारे में सोचता। ऐसा तो मैंने नरेन से सच्चा प्यार किया ही। ज्यादा प्यार तो अंकिता करती है। She deserves him. मुझे ऐसे देख के तुझे बहुत दुख हुआ होगा ना। मुझे माफ कर दे। मेरी बेटी ने अपनी गलती रियलाइज कर ली, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है।
हो ना, कुछ कहीं चोट तो नहीं आई तुम लोगों को? तुम दोनों को चोट तो नहीं आई? तुम ठीक हो? किसी को लगी तो नहीं? नरेन, आज तक मुझसे बहुत गलतियां हुई। मैंने तुम दोनों का रिश्ता तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुई। होती भी कैसे, ऐसा पवित्र रिश्ता तो आसमान में बन के जमीन पे आता है, भगवान का आशीर्वाद होता है। हम जैसे इंसान तो इसे नहीं तोड़ सकते। मैंने बहुत सारी गलतियां की है और ये सब भी मैंने किया था। परी, मुझे पता है मेरी गलतियां माफी के लायक नहीं है, बट प्लीज प्लीज तुम दोनों मुझे माफ कर दो। मुझे समझ आ चुका है, मैंने अपनी हार मान ली। अंकिता प्लीज। तुम्हें पता है पूर्वी, मुझे है ना कभी कभी समझ नहीं आता कि तुम अपने आंसू मुझसे छुपाती क्यों। I don't understand कि छुपाने का क्या फायदा। सही बोल रहे हो, छुपा के फायदा भी क्या। तुमसे मैं अपना दुख कभी छुपा तो पाती हूँ नहीं, चाहे कितनी भी कोशिश कर लूँ, है ना। लेकिन रोना क्यों आ रहा है? अब तो सब कुछ ठीक है, नरेन अंकिता की शादी हो रही है, परिवार वाले खुश हैं, फिर पूरी के लोसकर इतनी दुखी क्यों? खुशी के आंसू थे। लेकिन पता है, कहीं ना कहीं मन में ये डर भी था कि परी पता नहीं क्या कदम उठाएगी। तुम्हें पता है जब हम यहाँ पे आए थे ना, मैंने पहली बार परी को देखा था, तो मुझे लगा नहीं कि वो हमारी बेटी है। नफरत, इतना गुस्सा उसके दिल में, बहुत अजीब लग रहा था। लेकिन माँ बाप बच्चों के साथ नहीं होते तो बच्चे ऐसे ही तो बहक जाते। परी के साथ हम कितने सालों तक नहीं थे, उसे समझने के लिए, उसे समझाने के लिए। हमारे बिना कितनी इनसिक्योर, कितनी वायलेंट हो गई है, अपना गुस्सा दूसरों पे उतारने लगी। पता है अर्जुन, आज अगर परी कुछ कर देती ना, तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। नो, पूरी तुम्हें पता है कि मैं भी बिल्कुल ऐसे ही सोच रहा हूं कि कहीं ना कहीं गलती हमारी है कि हम लोग परी के साथ उस वक्त नहीं थे जब उसे हमारी जरूरत थी। बट अब अगर हम अच्छी चीजों पर ध्यान दें और जो सही हो रहा है उसके बारे में सोचें, तो देखो एवरीथिंग इज ओके। नरेन अंकिता की शादी हो रही है, परी खुश है, परी ने सही और सच का साथ दिया, तुम और मैं साथ में, पूरा परिवार साथ में, एवरीबॉडी इज हैप्पी। तुम्हें पता है आज के बाद तुम्हारी और मेरी जिंदगी में इन आंसुओं की कोई जगह नहीं होगी। वैसे भी तुम्हारी आंखों में ये आंसू अच्छे नहीं लगते। अच्छा, तो फिर रुलाते क्यों? मतलब खुद रो रही थी, मैं आया अंदर तो रो रही थी तुम, मैं पानी पिलाया तुम्हें, चुप कर रही, कैसी बातें कर रही हो तुम? I care, I love you. Yeah. I know you do. I do. ऐसे पता है? एक नंबर के ड्रामेबाज हो तुम। क्यों भाई? क्यों? भाई थोड़ी देर पहले कितने इमोशनल हो रहे थे,
और अभी देखो इतने रोमांटिक हो रहे हो। मुझे एक बात बताओ, मैं रोमांटिक क्यों ना हूँ? जिसकी बीवी इतनी खूबसूरत हो, दूसरी बात तुम्हें पता है घर में शादी का माहौल चल रहा है, नरेन अंकिता की शादी हो रही है, सब खुश है, मुझे अपनी शादी की दुनिया आ रहा है, तो मैं थोड़ा सा रोमांटिक नहीं हो सकता है? मैंने कहा था तुमसे कि तुम इतनी खूबसूरत दिखो। हाँ, व्हाई आर यू सो ब्यूटीफुल? मैंने कुछ देखा नहीं, मैंने रोमांटिक बातें सुनी नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। अरे घबराओ मत, तुम दोनों पति पत्नी हो तो रोमांस मरने में क्या हर्ज है? जी हाँ जी। हाँ देख, रोमांस करने की कोई उम्र नहीं होती, और भगवान ने इतने दिनों बाद तुम दोनों को फिर से यहाँ लाया, लगता है कि तुम्हें दिन भर ऐसे ही देखते रहो। Right, of course. आज मेरा परिवार पूरा हो गया, मैं बहुत खुश हूँ। अभी मुझे जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए। खुश तो हम भी आज ही, बहुत खुश हैं। लेकिन चलो तुम लोग अपने काम में खुश रहो, करते रहो, मैं निकली बुढ़ी। ये क्या लाइटिंग करी आपने? ये सब क्या है? मैंने आपको बोला था मुझे ये पुराने जमाने की लाइटिंग नहीं चाहिए, मुझे आज की मतलब नई मॉडर्न लाइटिंग चाहिए थी। ये लाइटिंग की आपने? आप उतर जाइए, आपसे नहीं होगा, रहने दीजिए। नहीं मैम, हो जाएगा, अभी हो जाएगा, थोड़ा क्या हो जाएगा, आधा घंटा रह गया है, पूरी लाइटिंग डेकोरेशन सब कुछ मुझे कम्प्लीट करना है, और ये लाइटिंग? आप रहने दीजिए, आप उतरिए, मैं लाइटिंग करती हूं। बाहर की लाइट फिक्स की है ना मैंने? अरे मैडम, बाहर की लाइट नहीं जल रही है, कनेक्शन चेक कीजिएगा। तेजू, बाहर की लाइट तूने फिक्स की थी ना? कनेक्शन चेक किया? तो कनेक्शन लूज हो गया होगा ना? वो भी लूज हो गया था मतलब? अरे कनेक्शन चेक करने के बाद बटन भी ऑन करना होता है, वो तो तूने किया नहीं होगा। तो ये सारे काम मैं ही करूँ? यहाँ पे खड़े होकर मेरा दिमाग खराब कर रही है, बाहर जाके एक बटन नहीं ऑन कर सकती थी? तू जा और बाहर जा। तो एक काम कर, तू बाहर जाके बाहर की लाइटिंग देख, यार मेरा दिमाग मत खा, तुझे लिए कोई काम नहीं होता। अच्छा कोई छिपकली विपकली नहीं है, दो छिपकलियां मुझे दिख रही हैं जो बहुत जल्दी यहाँ से वापस आने वाली है। रुक जाओ, अभी बता दियो तुम दोनों को, कलियां और वो यहाँ से अभी बहुत जल्दी गायब होने वाली है। अरे 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 अरे, ये क्या बच्चों के साथ खेल रही हो तुम? अरे डेकोरेशन की सारी जिम्मेदारी मानव ने तुम्हें दी है ना? वो क्या है आजी, मैं कर रही थी, मैं लाइटें ऊपर लगा रही थी, इन दोनों ने आके ना मेरा काम डिस्टर्ब कर दिया, पता है, छिपकली छिपकली करके मुझे चिढ़ाने लगी। दिया बाबा ने गलत इंसान को जिम्मेदारी दे दी है, काम छोड़ के बाकी सब कुछ कर रही है ना तू? व्हाट डू यू मीन बाय गलत इंसान? काम छोड़ के मैंने लाइटिंग की है और मैं लाइटिंग फिक्स कर रही हूँ, और हाँ उन्होंने बिल्कुल सही इंसान को जिम्मेदारी दी है। इस सरप्राइज पार्टी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे है, देखना आप लाइटिंग और डेकोरेशन इतनी अच्छी होगी ना, दे विल बी सरप्राइज्ड, जस्ट वेट एंड वॉच कितना स्पेशल बनाने वाली हूँ मैं इसे। जो करना है ना जल्दी करो, नरेन अंकिता आते ही होंगे। वो तो ठीक है, पर काम कैसे करूं? ये यहाँ पे खड़े होकर बहस कर रही है मुझसे, काम करवाओ यार इससे कुछ। मैं तुझसे बहस कर रही हूँ? नहीं नहीं, तू तो मेरा हाथ बटा रही है। ये बस करो, ये बच्चों की तरह लड़ क्यों रहे हो तुम? चलो 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 जल्दी काम पे लग जाओ, मैं भी देखती हूँ सारी तैयारी हुई कि नहीं। क्या कर दिया तेजू आत्या ने, इतना ये दुपट्टा और ये सब, पता नहीं मैं कैसी लग रही हूँ, मेरे फेरे होने वाले हैं अभी थोड़ी देर में, और गणपति पप्पा मैंने इस दिन का बहुत इंतजार किया, बस सब कुछ अच्छा होने देना। आई लव एंड थैंक यू मुझे नरेन सर से मिलाने के लिए, थैंक यू सो मच। मुझे सोच कि मैं नरेन सर को बहुत अच्छी लगूं। खोलो, आप अभी यहाँ से जाइए, नरेन सर अभी आप नहीं देख सकते मुझे, जाइए। मैं देख सकता हूँ, खोलो दरवाजा। नरेन सर यहाँ से जाइए मैंने कहा। मैं एक मिनट। अरे खोलो ना, आप अंदर नहीं आ सकते, जाइए यहाँ से। अरे पे क्यों जाऊँ, पर मेरे को अंदर आने दो ना। नहीं आप अंदर नहीं आ सकते, क्योंकि आप नहीं आ सकते, बस जाइए यहाँ से। अब हमारी शादी हो चुकी है ना, तो मुझे अभी शादी हुई नहीं है, अभी शादी होने वाली। ओके अच्छा ओके, लेकिन मुझे अंदर आने दो। ओके नहीं नहीं नहीं, आप प्लीज यहाँ से जाइए अभी, मुझे पता है आपको कोई मस्ती सूझी है, और अभी मैं बिल्कुल भी मस्ती की मूड में नहीं। जाइए। ओके फाइन, मैं जा रहा हूँ। ओके जाइए।